हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं इन दो यूएसबी केबल्स का जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में लिया है। तो चलिए इस वीडियो को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये मी माइक्रो यूएसबी ब्रेडेड केबल का। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बॉक्स के ऊपर देखें तो फ्रेंड्स हमें इसमें कुछ डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये केबल 1 मीटर लॉन्ग है, इसमें 2A फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये फास्ट डेटा ट्रांसफ़र को भी सपोर्ट करता है। बैक की तरफ कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, केबल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैं इसके स्ट्रैप को रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मी का लोगो भी देखने को मिलता है। इस केबल में फ्रेंड्स केबलर फाइबर का यूज़ किया गया है, जिससे ये केबल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसको साइड में रखते हैं, उसके बाद हम इसके टाइप सी वर्जन को अनबॉक्स करते हैं। इसमें हमें बस अलग डिफरेंस है कि इसमें हमें 3A फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसमें भी फ्रेंड्स केबलर फाइबर का यूज़ किया गया है, तो जिसके वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और बहुत ही लंबे टाइम तक ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम लेंथ देखने को मिलेगा 1 मीटर। टाइप सी केबल की प्राइस है फ्रेंड्स 300 रुपीज़ और माइक्रो यूएसबी की प्राइस है अराउंड 250 रुपीज़। इसे मैंने mi.com से ख़रीदा है। अगर आप इसे अमेजोन से भी ख़रीदते हैं तो इसमें आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमें टाइप सी वाले केबल में भी मी का लोगो देखने को मिलता है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, 1 वीक के बाद मैं दोनों केबल का रिव्यू लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये केबल कैसा परफॉर्म करता है और कैसा नहीं और इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं द बेसिक यूट्यूबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।